हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किस किस तरीके से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। कौन कौन से? तो अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए अगर पूछता है तो हम कैसे उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, और अगर 2 लाइक चार्ज होंगे, ठीक है, फॉर 2 लाइक चार्जेस, ठीक है, और फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए हम कैसे हम इलेक्ट्रिक, ये जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आइए हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर ए पॉइंट चार्ज की। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो हम देखो ध्यान से समझना, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। तो देखो, पॉइंट चार्ज मतलब कि पॉइंट चार्ज का मतलब हम ले रहे हैं एक प्लस क्यू चार्ज मान के चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, यही हमारा मेन है। अगर गलत तरीके से ड्रॉ कर दोगे, अब ऐसे नहीं है कि ऐसे 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 ड्रॉ कर दोगे, नहीं ऐसे नहीं, सही तरीके से हमें करना होता है, तो उस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कोई चार्ज लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जितना पास होगा चार्ज, जितने पास रहोगे आप चार्ज के, उतना ही जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो लाइंस होंगी वो आपस में पास पास होंगी, समझे। तो मतलब कि यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? आउटसाइड होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? आउटसाइड होती है, होती है ना, बताया था क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड होती है। तो आपको मैंने क्या बताया कि जितना पास रहोगे आप चार्ज के, उतना ही जो लाइंस होंगी वो आपस में पास पास होंगी। देखो ऐसे, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर, यहाँ क्या है, पास पास हैं ये सभी लाइंस, ठीक है, ये थर्ड वाली लाइंस है। फिर जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इनके लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, इन लाइंस के बीच में ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जो इनके बीच में क्या होगा, सर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। वो क्यों होगा, मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि पोटेंशियल के कारण इनके बीच स्टार्टिंग में इनकी ये जो चार्ज होता है इसके आस पास जो फील्ड होती है उसके पास पोटेंशियल ज्यादा होता है, इस कारण से वहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है, पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे तो वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल कम होता जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, -dV/dr होती है, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपने, है ना, पढ़ा खा ना ये -dV/dt, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी ये पोटेंशियल जो होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आगे बढ़ रही है तो इनके बीच का गैप भी बढ़ता जा रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कैसे करते हैं हम, स्टार्टिंग में जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है, फिर जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगी आगे, तो क्या होगा, इनके बीच में गैप कम होता जाएगा, ठीक है, इनके बीच में गैप ज्यादा होने लगेगा इन सर्कल्स के बीच में। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल क्या है, कम है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ रही है इसके बीच में पोटेंशियल कम होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर और ज्यादा गैप होने लगेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट चार्ज के लिए, ये है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो आप ऐसे करके बता सकते हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देंगे, तो ध्यान से समझ लेना कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कैसे करेंगे, देखो, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या है, कि माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। तो देखो क्या हुआ, हमें पता है पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इसमें दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा वो देखो कुछ ऐसे बनेगा आपका, पहले यहां से हम लेकर के ये पॉइंट, हम यहां से पॉइंट लेकर के, ठीक है, ऐसे मान ले ये पूरा इसके, ठीक है, ये प्लस क्यू है यहां पर इस पॉइंट पर। तो यहां पर ये जो होगा, ये जो पोटेंशियल होता है यहां पर क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या है कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, यहां से जाएगा और यहां से, ये यहां से और ये यहां, ठीक है, फिर ये यहां, फिर
ये यहाँ है ना, ठीक है, ये ऐसे एंड ये ऐसे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे यहाँ और पास पास हो सकता है ऐसे, ठीक है, और यहां से ये ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहां से ऐसे भी, ये ऐसे मतलब कि ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे घूम करके ऐसे, ये सर्कल यहां से जाएगा और यहां पर ये अंदर आएगा, ठीक है, यहां से इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसमें भी ऐसी यहां से घूम करके और ऐसे वापस आएगा ऐसे यहाँ, ठीक है, अंदर की तरफ यहां से जाएगा और यहां से वापस आएगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो डायपोल को। यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है, किसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल में, ये हमने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, ठीक है। अब हमें बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो देखो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, देखो ध्यान से समझना, इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो ऐसे बनेगा कुछ, कुछ चीज अगर ऑब्जर्व हो रही होगी तो समझना जो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपने आप से थोड़ा दिमाग लगा करके समझना, क्या कुछ ऑब्जर्व हो रहा है कि क्या इसमें क्या है, इसमें इस जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया है इसमें क्या डिफरेंस है, मुझे बताना आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। इस तरीके से ये बनेंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसको हम इकोसेंट्रिक सर्कल्स भी बोलते हैं, तो देखो क्या है यहाँ पर, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो समझ में आया, कुछ बात समझ में आ गई होगी थोड़ी सी, तो देखो यहाँ पर दोनों क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये यहाँ पर इधर साइड जाना चाहेगा, ये इधर साइड जाना चाहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगे यहाँ पर ये पास पास हो जाएंगे, ये जो सॉरी यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये पास पास हो जाएंगे यहाँ पर, समझे, तो यहाँ पर ये पास पास नहीं होंगे क्योंकि इधर से तो इनका डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इधर से भी इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन इधर से डिस्टेंस इसका नहीं बढ़ेगा, इनका इनका डिस्टेंस पास होता जाएगा, क्यों, क्योंकि इन इन दोनों चार्ज जो दोनों क्या है, डिफरेंस डिफरेंट है दोनों चार्ज, और इनके बीच में क्या है अट्रैक्शन हो रहा है, इस कारण से ये इधर की तरफ जाना चाह रहा है, इधर की तरफ जाना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों पास पास, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है दोनों पास पास हो गए हैं, ठीक है, तो इस कारण से हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर तो वही इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है पीछे ना इधर साइड इफेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर तो सेम बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी वैसे वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस आगे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ ही जो इनके बीच का जो डिस्टेंस वो होगा पोटेंशियल होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है, और क्योंकि तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है पोटेंशियल का वो यही होता है के क्यू बाय आर, तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा ये वी जो होता है इन्वर्सली होता है, डिस्टेंस जितना पड़ेगा पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल कम है, यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल कम है, लेकिन यहाँ पर भी डिस्टेंस बढ़ना चाहिए था पर नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर दोनों अट्रैक्ट हो रहे थे यहाँ पर, इसलिए पास पास आ गई है, ठीक है, समझ गए, तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, फॉर लाइक चार्जेस, अभी हमने नेगेटिव पॉजिटिव लिया था डायपोल, अगर हम लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम जो बात करेंगे उसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तब क्या होगा उसमें, अब स्टूडेंट्स बात करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम अगर हम टू इक्वल चार्जेस ले रहे हैं, मतलब कि एक प्लस क्यू है और यहाँ पर भी क्या है प्लस क्यू है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी थी किसमें, इससे पहले वाले में डायपोल में ड्रॉ करी थी, ठीक है, उसको ध्यान रखना, और इसको इसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, इसमें तो ये पास पास तो नहीं होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि मैंने बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, ऐसे आउटवर्ड चली जाएंगी आउटवर्ड की तरफ, है ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है रिपल्सन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी क्या होगा रिपल्सन होगा, तो ये आउटवर्ड चली जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स, रिपल्सर के कारण ये दोनों अट्रैक्ट नहीं, ये अट्रैक्ट तो नहीं होंगी, इसलिए ये ऐसे इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है।
है, तो इस तरीके से इसको हम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये इनके बीच में क्या है, ये आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड होगा, ठीक है, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, और इन सब में डायरेक्शन बता देना आप कि डायरेक्शन सब में आउटवर्ड होती है, क्योंकि तो पॉजिटिव में डायरेक्शन हमेशा ही आउटवर्ड ही होती है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां तक इसको हम पहले बनाएंगे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो उसका हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो कैसे ड्रॉ होगा देखो। तो देखो यहां पर क्या है, इसका और इसका चार्ज दोनों क्या है, रिपल्शन हो रहे हैं, मतलब कि दूर दूर जा रहे हैं, मतलब ये इधर जाना चाह रहा है और ये इधर जाना चाह रहा है। तो ये इधर जाना चाह रहा है, तो आप कुछ अंदाजा लगाओ कि ये इधर जाना चाह रहा है और ये इधर जाना चाह रहा है चार्ज रिपल्शन के कारण। तो जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो जब लाइंस पास पास कहां पर हो जाएंगी, तो ये इधर की साइड पास पास हो जाएंगी लाइंस, और इसमें इधर की साइड पास पास हो जाएंगी, ठीक है, तो अंदाजा लग गया होगा। तो हम इसमें ड्रॉ करते हैं, तो हम इसमें ऐसे करेंगे ड्रॉ, ये थर्ड वाला है आपका और ये फोर्थ वाला, ठीक है, यहाँ पास पास होंगी लाइंस, ठीक है, चार बहुत है, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ा यहाँ डिस्टेंस आ गया और यहाँ पर पास पास आ गए, क्योंकि ये इधर साइड जाना चाह रहा है कि भाई मुझे तुझसे दूर जाना है, तू भी दूर जा, मैं भी दूर जा रहा हूँ, मुझे तेरे पास नहीं आना, ठीक है। तो इसलिए इस कारण से यहाँ पर पास पास हो गई है, और यहाँ पर इधर पास हो गई, तो यहाँ तो ऑब्वियसली इस बात है फिर डिस्टेंस आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी ऐसी होगा, फर्स्ट वाला तो ऐसे ही बनेगा, सेकंड वाले में थोड़ा डिस्टोर्शन सा आ जाएगा ऐसे, ठीक है, फिर इसमें ऐसे हो जाए, यहाँ और पास हो जाएंगी लाइंस, डिस्टेंस बढ़ने लगेगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये यह और पास ये हो जाएंगी यहाँ पर। हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ये इधर के साइड जा रहा है, तो इधर पास पास हो जाएंगी, और ये इधर के साइड जा रहा है, इधर पास पास हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, समझ गए, इन दोनों इन सब में बीच में डिस्टेंस इसलिए बढ़ गया यहाँ पर, समझ में आ रहा है, फील कर पा रहे हो कि क्या मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, क्या मतलब किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो मैं बता रहा हूँ आपको एक बार फिर से कि तरीके से बनाना, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सही से, फिर उसके बाद आपको क्या करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है दिमाग में रख करके, कि अगर चार्ज आउटवर्ड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ या सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पास पास होंगे आउटवर्ड में, और अगर अगर प्लस और माइनस है तो यहाँ पास पास होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब क्या, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या मतलब, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है जैसे हमने सब में करते आ रहे हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की दूर होती है ऐसे होती है, तो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग सबसे पहले क्या करना है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा और उनका डायरेक्शन जो होगी वो एक ही डायरेक्शन होगी और पैरेलल होंगे वो, ठीक है। यहाँ पर ये देखो पैरेलल डिस्टेंस है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिनका यहाँ पर ये सब कुछ सेम है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, जो ऐसा नहीं कोई इधर मूव कर रही कोई इधर मूव कर रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके इस तरफ है एक्स एक्सिस की तरफ। अब क्या करना है हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमें क्या बताना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है। तो ध्यान रखना जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वहां पर हमेशा ही ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बनता, वहां पर कुछ स्क्वायर टाइप में ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, उसमें ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे टाइप में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं, ठीक है, इस टाइप में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, मैं इसको और बड़ा बना देता हूं थोड़ा, और तो यहां पर इस तरीके से आपको बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, ठीक है, ये इस तरीके से बनते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें, प्लेन है, इस प्लेन को बोलते हैं हम, इस प्लेन को बोलते हैं हम, ये जो एक्स एक्सिस के लोग बना रहे हैं, तो ये हमारा वाई जेड प्लेन होगा,
वाई जेड प्लेन होता है स्टूडेंट्स ये हमारा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, तो ये जो प्लेन माना जाएगा आपका क्या माना जाएगा, वाई जेड माना जाएगा। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग बनाओगे, वाई एक्सिस के अलोंग मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई के अलोंग होगी, मतलब ऐसे होगी, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई के डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो आपका कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा प्लेन। तो ये जो प्लेन होगा वाई के डायरेक्शन बना रहे हो, तो प्लेन जो होगा वो किसमें होगा, एक्स जेड प्लेन होगा आपका, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम करते हैं, अगर अगर आपका एक्स एक्सिस में बोला जाता है ज्यादातर, तो आपका प्लेन जो होगा वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है, ये जो प्लेन है वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है। तो ये था आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहना आता है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, ये इसी को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ये इसमें ये ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, तो आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे बना करके आना तरीके से, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।